हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिएगा, ये हमारा डायनेमिक्स का टॉपिक चल रहा है और इस डायनेमिक्स के टॉपिक्स में हमारा काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशंस का चैप्टर चल रहा है। और ये देखिएगा, काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशन का हमारा ये सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डेरिवेशन कराया था और उस पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी। आज इस लेक्चर में हम और कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन है, पार्टिकल इज एक्टेड ऑन वाई अ फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। एक पार्टिकल है, उस पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। जो फोर्स है वो किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। हुज एक्सेलरेशन इज लैम्डा वाई। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है आपको? लैम्डा वाई। किसके पैरेलल दे रखा है? वाई एक्सिस के, ध्यान रखिएगा। एंड इज इनिशियली, पार्टिकल को हम इनिशियली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ए रूट लैम्डा। ये आपको इस क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि पार्टिकल को आप एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी गिवेन है आपको ए रूट लैम्डा, और वो वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो वेलोसिटी। एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कंडीशन, वो पॉइंट आपको दे रखा है वाई बराबर ए पर। मतलब जो एक पॉइंट है इनिशियली वो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहा है? वाई बराबर ए पर। तो वहां से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन में यूज होगा। तो प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब द कैटेनरी। तो आपको ये प्रूफ करना कि पार्टिकल के द्वारा जो कर्व डिस्क्राइब होगा वो कर्व आपको ये प्रूफ करके लाना। इस कर्व का नाम क्या है? कैटेनरी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिएगा, सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। पार्टिकल क्या? अब पार्टिकल इज एक्टेड ऑन वाई अ फोर्स। एक पार्टिकल पर हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो पैरेलल है किसके? एक्सिस ऑफ वाई। हुज एक्सेलरेशन? उसका एक्सेलरेशन आपको देखो क्या दे रखा है? लैम्डा वाई, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो पैरेलल होगा किसके? वाई एक्सिस के। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, वी हैव वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का होता है वो क्या होता है? डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा वाई, ठीक है ना। और स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको गिवन नहीं है। तो लिखिएगा, सिंस देयर इज नो फोर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा, इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के अलोंग आपको कोई फोर्स गिवन नहीं है, तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको ना क्या फाइंड आउट करना है? कर्व का, एक पार्टिकल के द्वारा जो कर्व डिस्क्राइब हो रहा है वो कर्व आपको प्रूफ करके लाना। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इस तरह तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को ना आप 2dy अपॉन dt से मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए, नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग, ठीक है स्टूडेंट देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट को ना हमने 2dy अपॉन dt से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिएगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों हमने किया है इसको। ठीक है, देखिए फिर दोबारा से समझिएगा। इक्वेशन फर्स्ट को आपने किससे मल्टीप्लाई करा? 2dy अपॉन dt से। उसके आफ्टर दिस आप इसको क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ट्वाइस, ठीक है, इस तरह से। स्टूडेंट ये हमने ना इंटीग्रेट कर दिया, dt से dt के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो देखिए, dt से dt कैंसिल। देखिए, 2dy अपॉन dt से मल्टीप्लाई करने का हमारा मेन मोटिव क्या रहा? क्योंकि देखिएगा, dy अपॉन dt का ये डिफरेंशियल आपको यहाँ गिवन है, इसलिए हमने इसको 2dy अपॉन dt से मल्टीप्लाई करा। क्योंकि अब देखिएगा, dy अपॉन dt को अगर आप कुछ एज्यूम करते हैं, तो जैसे z माना तो z का इंटीग्रेशन करेंगे, जेड स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो समझ में आया आप लोगों को, हमने 2dy अपॉन dt से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि इसका डिफरेंशियल आपको यहाँ गिवन है। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। पुटिंग क्या मेथड है? पहला क्वेश्चन है जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। dy अपॉन dt को हमने z मान लिया। देखिए स्टूडेंट, हमने दोबारा इसका डिफरेंशिएट करा d टू y अपॉन dt स्क्वायर, तो देखिएगा क्या आएगा, dz अपॉन dt, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप यहां रखिएगा ट्वाइस, ठीक। देखिए, dy अपॉन dt को क्या ऐड करा आपने? z, फिर आप देखिएगा d टू y अपॉन dt स्क्वायर, d टू y अपॉन dt स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी? dz अपॉन dt, dt से dt कैंसिल। तो सिंपल ये बचेगा 2 लैम्डा एंड वाई डी वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा y स्क्वायर प्लस एनी कॉन्स्टेंट,
चलिए के हमने एनी कॉन्स्टेंट कर दिया, ठीक है, के हमने कोई एनी कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया। यहाँ देखिए जेड आपने किसको लेट किया है, यहाँ ये जो जेड लेट किया है वो वैल्यू को रखा जाए डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर रखिएगा आप, और लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस के एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, इसे आप इक्वेशन थर्ड कह दीजिएगा। अब देखिए इनिशियली कंडीशन पर आ जाओ, पार्टिकल जो है ना इनिशियली किस पॉइंट पर, वाई बराबर है, इसका मतलब पार्टिकल हमारा कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। तो देखिए एट इनिशियली एट द पॉइंट, देखिए वाई बराबर ए दे रखा है, तो वाई बराबर ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट इस हिसाब से होगा जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ए होगा, तो दैट इज आप लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा जीरो, ये कंडीशन को आप यहाँ रखिएगा, तो इस कंडीशन को हमने यहाँ रखा है, देखो जीरो वाई के प्लेस पर हमने क्या पुट करा ए प्लस के, तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप के की वैल्यू कितना आ गया माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा क्या आएगा वाई स्क्वायर दिख रहे हैं प्लस के की वैल्यू रखिए आप यहाँ माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर, ठीक, फिर आप देखिएगा डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, लैम्डा आपका कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर स्टूडेंट देखिएगा डी वाई अपॉन डी टी इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं रूट लैम्डा, और रूट में देखिएगा कितना आएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फोर्थ कह दीजिएगा इसको। तो देखिए स्टूडेंट हमने डी वाई अपॉन डी टी तो कैलकुलेट कर लिया है, अब आपके पास ये जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, लिखिए नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड को आप इंटीग्रेट करेगा, इक्वेशन सेकंड को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी, तो इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा एनी कॉन्स्टेंट आएगा, तो एनी कॉन्स्टेंट ले लीजिए, सपोज इसको हमने सी कंसिडर कर लिया, ठीक है, फिर आ जाइए आप एट इनिशियली, ठीक है ना, इनिशियली पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट से, वाई बराबर है, देखिए इस पॉइंट को हमने लिखा था जीरो कॉमा ए, तो एट इनिशियली आएंगे तो यहाँ एक्स इक्वल्स टू क्या है जीरो, और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है एंड इज इनिशियली प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी, इसको इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई स्टूडेंट क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये क्या आ जाएगा ए रूट लैम्डा, ठीक है, अब आप इसका यूज़ यहाँ कर दीजिएगा, ठीक है, ये कंडीशन आप यहाँ अप्लाई करिएगा, तो ये देख रहे हैं आप a रूट लैम्डा इक्वल्स टू c, तो जो c कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए पुटिंग इन इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ में इसको पुट करिएगा, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या आएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या आ रहा है सी, देखो सी की वैल्यू कितना आ रहा है ए रूट लैम्डा, इसे आप इक्वेशन नंबर फिफ्थ कह दीजिएगा, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये डी वाई अपॉन डी टी हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस फाइंड आउट कर लिया, डी एक्स अपॉन डी टी ये वेलोसिटी का कंपोनेंट किसके अलोंग फाइंड आउट कर लिया एक्स एक्सिस के पैरेलल, आपको कर्व का इक्वेशन निकालना है, कर्व का इक्वेशन किस में होता है एक्स और वाई में, इसका मतलब आपको टी को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए फोर एंड फाइव को, तो स्टूडेंट देखिएगा लिखिएगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फोर वाई इक्वेशन फाइव, इक्वेशन फोर को फाइव से आप डिवाइड कर दीजिएगा, देखिए हम ये डिवाइड कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी, ये डिवाइड करेंगे रूट लैम्डा और रूट में क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए अपॉन रूट लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा ये कैंसिल, तो स्टूडेंट देखिएगा आपके पास सिंपल ये वैल्यू क्या आता है डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट में देखिएगा कितना वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिएगा आप यहाँ से, देखिए स्टूडेंट हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो देखिएगा डी एक्स अपॉन ए ये आपका डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप इसको ना इंटीग्रेट कर दीजिएगा, देखिएगा हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा एक्स अपॉन ए अपॉन ए, इधर ये इंटीग्रेशन आपका आएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पर एनी स्टूडेंट क्या आता है एनी कॉन्स्टेंट आता है, तो कॉन्स्टेंट आप और एक न्यू कंसिडर कर लीजिएगा यहाँ पर, सपोज इसको ना हमने म्यू कंसिडर कर लिया, ठीक है ना, कुछ भी कॉन्स्टेंट आप ले सकते हैं, फिर इनिशियली कंडीशन का आप यूज करिएगा, लिखिएगा एट इनिशियली,
ठीक है, पार्टिकल हमारा इनिशियली वाई बराबर, ये देखिए ये पॉइंट लिखा था हमने 0, a, मतलब पार्टिकल जब इनिशियली है तो वो वाई एक्सिस पर है, तो वहाँ एक्स बराबर 0 है और वाई बराबर कितना है a, तो इन कंडीशंस का आप यहाँ यूज़ करिए। स्टूडेंट इन कंडीशन का यूज़ आप इक्वेशन नंबर 6 में करिएगा, एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं आप 0, तो आप देख रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, और वाई के प्लेस पर भी आप a पुट कर रहे हैं प्लस म्यू, फिर आप देखिएगा 0, ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगा 0, तो म्यू, तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं म्यू की वैल्यू कितना गया 0, इस म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए 6 में, पुटिंग इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, एक्स अपॉन ए कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए, म्यू की वैल्यू कितना आ रहा है 0, ये 0 पुट कर दिया हमने, तो स्टूडेंट देखिएगा आपको क्या प्रूफ करना था, कर्व वाई इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, तो आप देख रहे हैं ये कर्व आ गया वाई इक्वल्स टू ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए, ठीक है। देखिए क्या प्रूफ करना था कि कर्व आपका क्या आना चाहिए, कैटिनरी, ये कैटिनरी की आपकी इक्वेशन दे रखी है कार्टिजियन फॉर्म में, तो स्टूडेंट ये देखिएगा ये मेथड है हमारा इस क्वेश्चन को करने का। देखिएगा स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन, एक पॉइंट है हमारा प्लेन में मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी हमें क्या दे रखा है यू प्लस ई वाई, और वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी क्या दे रखा है आपको वी प्लस ई एक्स, शो दैट इट मूव्स इन अ कॉनिक सेक्शन, आपको ये प्रूफ करना कि जो पार्टिकल है वो एक कॉनिक सेक्शन में मूव करता है, मतलब जो पार्टिकल के द्वारा जो कर्व डिस्क्राइब होगा वो क्या होगा एक कॉनिक होगा, वो आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ क्या गिवन है, लिखेगा वी हैव वेलोसिटी किस किस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के, तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये क्या आएगा यू प्लस ई वाई, इसी तरह वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी वो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी वी प्लस ई एक्स, सेकेंड इक्वेशन आपको ना कर्व का इस पार्टिकल के द्वारा जो कर्व डिस्क्राइब होगा वो फाइंड आउट करना है, तो कर्व किस में होगा हमारा एक्स और वाई में, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट वाई इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दीजिएगा, देखिएगा डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है इनको हम डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिएगा यू प्लस ई वाई अपॉन वी प्लस ई एक्स, ठीक, तो आप ये देखिएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू यू प्लस ई वाई वी प्लस ई इंटू एक्स, अब ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा इस तरह से वी प्लस ई एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू यू प्लस ई वाई एंड डी वाई, ठीक है, अब आप इसको इंट्रीगेट कर दीजिएगा, देखिए अगर हम इंट्रीगेट करेंगे तो x का इंट्रीगेशन क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, अगर 2 को कैंसिल करना है तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोनों तरफ, देखिए इसको हम इंट्रीगेट कर रहे हैं v प्लस ई एक्स और डी एक्स, इधर भी स्टूडेंट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये देखिएगा u प्लस ई वाई एंड डी वाई, देखिए इसका हम इंट्रीगेशन करते हैं इधर, देखिए x के रेस्पेक्ट में तो वी एक्स e इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और अगर आप इसका इधर इंट्रीगेशन करते हैं तो यू वाई ई वाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, फिर प्लस का एनी कांस्टेंट ले लिया आपने, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करिएगा आप, देखिएगा आपका 2 से 2 कैंसिल तो ये 2 वी एक्स, ठीक है, अब देखिएगा 2 से 2 कैंसिल ई एक्स स्क्वायर, और ये आपका 2 यू वाई, ठीक, 2 से ये 2 कैंसिल ई वाई स्क्वायर और प्लस सी यानी कांस्टेंट, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, देखिएगा आप इसको ना इधर लेकर आइएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस ई वाई स्क्वायर और 2 वी एक्स माइनस 2 यू वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट देखिएगा ये किसका इक्वेशन होता है कॉनिक का इक्वेशन होता है, तो आपको क्या प्रूफ करना था कि पार्टिकल किस में मूव करता है कॉनिक सेक्शन में, तो एक कॉनिक का इक्वेशन आ गया, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक, ये कॉनिक की इक्वेशन आ चुकी है आपके पास। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द पोजीशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट है उसकी पोजीशन आपको किसी टाइम टी के दौरान ये दे रखा है, ये पोजीशन दे रखा है आपको पॉइंट का, फाइंड इट्स पाथ, आपसे कह रहे हैं इसका पाथ जनरे आपको फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, पाथ मीन्स आपको ना पार्टिकल के पॉइंट या पार्टिकल जो भी है उसके द्वारा जो हमारा कर्व जनरेट होगा ना वो फाइंड आउट करना है आपको। इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या है, वी हैव आपको यहाँ क्या गिवन है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस टी वाई इक्वल्स टू ए साइन टी, ठीक है,
ये आ गया है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड इट्स पाथ। पाथ मींस मतलब कर्व की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है जिस पर ये पॉइंट हमारा मूव कर रहा है। तो पाथ की इक्वेशन किस में होगा, एक्स और वाई, इसका मतलब टी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक ना। स्क्वायर करके आप इनको ऐड करेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए कॉस स्क्वायर टी एंड ए साइन स्क्वायर टी। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो क्वेश्चन का ना फर्स्ट पार्ट तो हमने कह दिया, आपसे कह रहे हैं ना पाथ फाइंड आउट करिए, पाथ हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करिए। तो देखिए वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग, तो उनका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी। ये डिफ्रेंशिएट करा तो क्या आ गया, माइनस ए साइन टी डी वाई अपॉन डी टी, साइन टी का डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा, कॉस टी। तो अब आप देखिएगा वेलोसिटी, ठीक है ना, मैग्नेट ये वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिएगा ये मैग्नीट्यूड निकाल लें इसका, डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। देखिएगा आप ये कितना है आपका, स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी ए कॉस स्क्वायर टी। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं वेलोसिटी आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया, ए आ गया। अब स्टूडेंट देखिएगा वेलोसिटी भी आपने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो आप फाइंड आउट करिएगा। तो देखिएगा हम ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए डी एक्स अपॉन डी टी आपको ये गिवेन है, इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस ए साइन टी का क्या आ जाएगा, ए कॉस टी, और इसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, माइनस का ए साइन टी, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा देन एक्सेलरेशन, तो आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा क्या आएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट करिएगा। तो देखिएगा ये कितना आएगा आपका, ए कॉस स्क्वायर टी एंड ए साइन स्क्वायर टी। तो स्टूडेंट देखिएगा कितना आ गया आपका, ए। तो एक्सेलरेशन भी आपका कितना आ गया, ए आ गया। सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज इस लेक्चर में जो हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर वेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और आप लोग भी अपने टेक्स्ट के बुक के और भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।